कालाढूंगी तहसील के अंतर्गत बैलपड़ाव देसी व विदेशी शराब की दुकान सेठ हाईवे से चंद कदम की दूरी पर है। आबकारी विभाग खामोश बैठा है। इन शराब की दुकानों पर यातायात के कारण हमेशा बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। अगर समय रहते प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो रामनगर हल्द्वानी स्टेट हाईवे पर स्थित इस दुकान के पास कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। SDM कालाढूंगी रेखा कोहली ने बताया कि जल्द ही इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा और शराब की दुकान पर जाने के लिए दूसरा रास्ता खोल दिया जाएगा। कालाढूंगी से मुकेश छिमवाल की रिपोर्ट। जो बैलपड़ाव में जो दुकान सड़क किनारे चल रही है वो सुप्रीम कोर्ट की आदेशों की खुली उल्लंघन है और ये बिना प्रशासन और आबकारी विभाग के मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता, सबको दिख रहा है और इसमें सत्ता का संरक्षण भी दिखाया जाता है, क्योंकि इस प्रकार से खुलेआम धज्जियाँ आसानी से नहीं उड़ सकती। जहां आम आदमी की झोपड़ियां आसानी से उड़ा दी जा रही हैं उत्तराखंड के अंदर, अगर शराब माफिया सड़क किनारे खुलेआम दुकान चला रहे तो उनको संरक्षण है और ये कई सालों से ये दुकान चल रही है, तो इससे स्पष्ट है कि सत्ता का संरक्षण है। देखिए, मेरे संज्ञान में आज ये मामला आया है, जो उसका जो सैंक्शन रास्ता है वो बाजपुर रोड की तरफ से है, जो 500 मीटर के दायरे से बाहर है, और आपने जो कहा है कि वो आगे से कर रहा है तो आगे से